नमस्ते, आपको स्वागत करती हूँ। क्या महापुरुष ने लिखा है? भगवान कल्कि कहाँ पर जन्म लेंगे और कौन सी परिवार में जन्म लेंगे और उनकी माता पिता के नाम क्या होगा? हाँ, महापुरुष ने सब कुछ भगवान कल्कि के बारे में लिखा है। महापुरुष ने भविष्य जाति पाठक गीता मालिका में भगवान कल्कि की सारी जानकारी दिया है। उड़ीसा की संभल नगर में जन्म लेंगे, जिस जगह में गुप्त गंगा होंगे और उस जगह में माँ कनक देवी माँ बिरजा रूप में प्रतिष्ठित है। यानी महापुरुष ने साफ साफ कहा है, उड़ीसा की जाजपुर जहाँ स्वयं ब्रह्मा यज्ञ करके शुभ स्तंभ को स्थापित किया था और उस जगह पर नवम शताब्दी में राजा जजाति केसरी ने 10,000 नैष्टिक ब्राह्मण के द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बहुत सारे जानवर को मारा गया था और बैतरणी नदी के जल लाल हो गया था। उस जगह आज भी दशास्य मेघ घाट नाम में परिचित है और उस जगह पर स्वयं माँ बिरज की मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ की स्वरूप है। और उस जगह पर बहुत सारे भगवान शिव की मंदिर है और मुक्तेश्वर शंभु अन्यतम। भगवान मुक्तेश्वर के पश्चिम में देवताओं के सभा गृह था। जब ब्रह्म देव ने यज्ञ किया था, उस समय देवताओं के सभा यानी देवराज इंद्र की सभा सुधर्मा सभा हुआ था और इस कली युग की अंत में फिर से उस जगह पर सुधर्मा सभा होगा और उस सभा में महापुरुष की 1,00,000 ग्रंथ प्रकाश होगा। क्या महापुरुष ने भगवान की घर कहाँ पर स्थित होगा लिखा है और उनकी माता पिता के नाम क्या होगा, उस बारे में लिखा है? हाँ, महापुरुष ने सारी जानकारी दिया है। माँ बिरजा के पूर्व दिशा में एक कमल की पुष्करिणी होगा और यहाँ पर हरि हर क्षेत्र होगा और भगवान कल्कि के घर की उत्तर में एक कदम वृक्ष और दक्षिण में एक पीपल के पेड़ होगा। उस जगह पर भगवान कल्कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के पिता के नाम अनंत मिश्र और माता के नाम पद्मावती होगा। लेकिन भगवान को भक्त कैसे पहचानेंगे और क्या क्या भगवान के शरीर पर चिन्ह होगा, कैसे भक्त पहचानेंगे कि ये है स्वयं नारायण? महापुरुष ने कहा है, भगवान की शरीर में शंख और चक्र की निशान होगा और उनकी हस्त में एक धनुष का निशान होगा और भगवान की बाएं पैर की अंगूठी में एक दाग पड़ा होगा। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण की बाएं पैर की अंगूठी में एक तीर लगा था और भगवान ने देह त्याग किया था, ये सब चिन्ह जब तुम देखोगे तो जान लेना वो स्वयं कल्कि भगवान। समय बहुत कम है, इसीलिए आप सनातन धर्म मार्ग को अपनाएं।